एवरीवन, आई एम अलका। वेलकम टू अलका लर्निंग होम। आज की वीडियो, ये जो मैंने यहाँ इससे पहले एक वीडियो बनाई थी जिसमें बच्चों के टॉकिंग के लिए छोटा छोटा वर्ड्स लेके आई थी, और ये पार्ट टू है, ये नेक्स्ट वीडियो है। तो यहाँ पर मैंने कुछ वर्ड्स लेके आई हूँ, जो वर्ड्स वो वर्ड्स से थोड़ा सा बड़ा है, और ये वो वर्ड्स को सीखने के बाद बच्चा ये वर्ड्स सीख सकता है, बोल सकता है। और एक इम्पोर्टेंट बात बोलना चाहती हूँ, जब भी हम बच्चों के साथ घर में बात करते हैं तो प्लीज़ पोलाइटली बात करना चाहिए, क्योंकि बच्चे हमेशा हमें ही फॉलो करते हैं। हम किस तरह से बात करते हैं, कैसे बिहेव करते हैं और क्या लैंग्वेज यूज़ करते हैं, वो बच्चे हमें फॉलो करते हैं। हम जो सिखाते हैं ना, बच्चे बिल्कुल नहीं सीखते, ज़्यादा उससे ज़्यादा बच्चे हमें फॉलो करते हैं जो हम यूज़ करते हैं। तो ये जो वर्ड है ये आप यूज कर सकते हैं बच्चों के साथ, ताकि बच्चे आप यूज कर सकते हैं, आपके घर में जो भी है वो भी यूज कर सकते हैं। ये हेल्पफुल होगा बच्चे के लिए जल्दी सीखने के लिए लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज बोलना। ओके, सो यहाँ पर कुछ वर्ड्स हैं, जैसे कि स्टॉप वॉचिंग टीवी। बच्चा टीवी देखते हैं, ये तो ऑब्वियसली सारे बच्चे ऐसे टीवी देखते हैं, तो ये वर्ड आप फ्रिक्वेंटली यूज़ कर सकते हैं, स्टॉप वॉचिंग टीवी। देन यू नो, आप जानते हो, यू नो, आई नो, मुझे पता है, आई सॉरी विल फॉल, गिर जाओगे, विल फॉल। डोंट थ्रो इट, कुछ भी सामान हाथ में हो तो इसे हम बोल सकते हैं, डोंट थ्रो इट, बच्चे अक्सर फेंकते रहते हैं तो हम बोल सकते हैं डोंट थ्रो इट। होल्ड माई हैंड, जब भी बच्चे रास्ते में चलते हैं या सीढ़ी में उठते हैं तो ये वर्ड आप यूज कर सकते हैं, होल्ड माई हैंड। हरी अप, जल्दी करो, हरी अप। कीप क्वेट, चुपचाप बैठो, कीप क्वेट। लिसन टू मी, मेरे बात सुनो, प्लीज लिसन टू मी। लुक हियर, यहाँ देखो, लुक हियर। देन आई डोंट नो, मुझे पता नहीं है, आई डोंट नो। आई फॉरगॉट, मैं भूल गई, आई फॉरगॉट। व्हाट हैपेंड, क्या हुआ, व्हाट हैपेंड। आई एम हंग्री, बच्चे ये तो बोलते रहते हैं, आई एम हंग्री। देन नेक्स्ट वर्ड है नो प्रॉब्लम। अगर बच्चा गलती से कुछ कर दिया तो हम बोल सकते हैं नो प्रॉब्लम। टेक ए बाइट, कुछ बच्चों को खिला रहे हैं तो हम बोल सकते हैं टेक ए बाइट। टेक ए सिप, जब बच्चों को पानी पिलाते हैं बॉटल में तो उस टाइम पे आप ये वर्ड यूज़ कर सकते हैं, टेक ए सिप। टेस्ट इट, कुछ खाने के लिए आप देते हैं तो टेस्ट करने के लिए बोलते हैं टेस्ट इट। ओके, देन दिस वन, ये वाला, दिस वन, दैट वन, वो वाला, दैट वन। डोंट मूव, हिलना नहीं, चुपचाप बैठना है, डोंट मूव। वॉक स्लोली, धीरे धीरे चलना, वॉक स्लोली। डोंट टच, मत छुओ, अक्सर बच्चे किचन में जाते हैं मम्मी के साथ, कहीं भी हाथ लगा देते हैं नाइफ में, या कहीं भी गर्म पानी या कुछ भी चीज़ जो है बच्चों के लिए हार्मफुल, तो उस टाइम आप बोल सकते हैं डोंट टच। डू फास्ट, जल्दी करो, जब भी हम बच्चों को होमवर्क के लिए बोलते हैं तो बोलते हैं डू फास्ट। तो बच्चों को आप ऐसे नहीं बोलेंगे, डू फास्ट ऐसे नहीं बोलना चाहिए, पोलाइटली बोलिए डू फास्ट। देन डोंट जंप ऑन द बेड, ये तो बच्चे अक्सर करते रहते हैं तो ये वर्ड आप यूज़ करिए, सेंटेंस छोटा सा सेंटेंस हो गया तो ये आप यूज़ कर सकते हैं, डोंट जंप ऑन द बेड। डोंट राइट ऑन द वॉल, ये तो बच्चे करते रहते हैं स्कूल में, मैंने देखी बहुत बच्चे वॉल में स्क्रबिंग करते रहते हैं, घर में भी कर रहे होंगे तो यह बोल सकते हैं डोंट राइट ऑन द वॉल। फिनिश योर होमवर्क। डोंट साउट, जब बच्चे ज़्यादा चिल्लाते हैं तो ये वर्ड आप बोल सकते हैं डोंट साउट। सो ये थे कुछ वर्ड्स जो कि बच्चों को आप डे टू डे लाइफ में सिखा सकते हैं, आप खुद बोलिए। और यहाँ पर मैंने ज़्यादा वर्ड्स नहीं लेके आई हूँ, क्योंकि मैं थोड़े थोड़े वर्ड्स लेके आती हूँ,
ताकि आपको इजी होगा सिखाने के लिए। ये वर्ड्स के बाद नेक्स्ट वीडियो में भी और कुछ नए वर्ड्स के साथ मैं आऊँगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है, आपके लिए हेल्पफुल हो रहा है, तो प्लीज़ कमेंट करिए। अगर आपको और कुछ चाहिए, बच्चों के लिए कुछ प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो इसका सलूशन चाहिए, तो मुझे कमेंट करके बोलिए। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। हैव अ गुड डे। बाय बाय। टेक केयर।